हेलो गाइस, मैं हूं राय और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स के 8th वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम वो कंसेप्ट सीखेंगे जो हर इफ एल्स स्टेटमेंट के पीछे काम करता है। सो यहां पे सबसे पहले मैं एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं और मुझे पता है कि ये एक्सप्रेशन आप सभी को पता है कि ये कैसे काम करने वाला है। सो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर 3 और 4 का सम करेगा, मीन्स ये 7 की इक्वल है। उसके बाद वो देखेगा कि यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो क्या करता है, अपने राइट में जो भी वैल्यू होती है उसे पिक करके अपने लेफ्ट के अंदर जो भी वेरिएबल होता है उसके अंदर स्टोर कर देता है। मीन्स इस एक्सप्रेशन के कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे ए की वैल्यू जो है वो 7 स्टोर हो जाएगी। ओके, सो इस वैल्यू को हम प्रिंट करके देखते हैं। वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज टी कॉमा ए। ओके, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो ए की वैल्यू है वो है 7। ओके, सो फ्रेंड्स, ये तो एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करूँ, मैं यहाँ कर दूँ 3 less than 4, अब ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि अब ये एक कंडीशन बन चुकी है 3 less than 4 और हमें पता है कि ये कंडीशन ट्रू है। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हमारे एक्सप्रेशन, हमारा कंडीशन जब भी ट्रू होता है तो वो 1 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे 3 less than 4 मीन्स ये ट्रू है, मीन्स अब ये 1 के इक्वल है, मीन्स अब यहाँ पे लिखा है a इक्वल टू 1। और अगर आपको बिलीव नहीं होता तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। यस, हमारे a की वैल्यू है 1, मीन्स जब भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो वो 1 के इक्वल है। इसी तरीके से जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो 0 के इक्वल होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 greater than 4, मीन्स ये फॉल्स है, तो अब हमारी कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए और वो 0 के इक्वल। और यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है, बिल्कुल सही। ओके, सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि ये जो हमने अभी बेसिक सीखा कि जब भी कंडीशन ट्रू होती है तो 1 के इक्वल होती है और जब वो फॉल्स होती है तो वो 0 के इक्वल होती है, ये इफ एल्स स्टेटमेंट में किस तरीके से हेल्पफुल है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं एक इफ एल्स स्टेटमेंट का अगर मैं सिंटेक्स देखूं तो हमें हमारी जो अब तक की नॉलेज है, हमें ये पता है कि इफ़ के बाद ये जो ब्रैकेट्स है इनके अंदर जो भी कंडीशन होती है अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हमारा इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, मीन्स इन कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होएगा। अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारा जो एल्स ब्लॉक है, मीन्स इतना पोर्शन, ये एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत जनरल सी एक बात बोलने वाला हूँ जो हमारी, मीन्स हमारी बैकबोन होगी हमेशा इफ एल्स स्टेटमेंट्स के लिए। वो ये है कि जब भी ये जो ब्रैकेट्स हैं इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी अगर वो नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो मतलब 0 को छोड़ के कुछ भी, 1, 2, 3, -1, -2, एनीथिंग, अगर ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू नॉन ज़ीरो है तब हमेशा हमारा इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और अगर ब्रैकेट्स के अंदर की जो वैल्यू है वो अगर 0 के इक्वल है तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो अब इस बात का इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर। सो मैंने बोला कि इफ़ के अंदर इन ब्रैकेट्स के अंदर जो मेरे को वैल्यू लिखनी है वो अगर नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो मतलब वो 1 हो सकती है। ओके, सो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ओके, हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, मींस हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 less than 3, अब मुझे पता है कि ये कंडीशन हो गई, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है जो कि ये है तो अब ये 1 के इक्वल है। सो फाइनली कंप्यूटर को यहाँ पे क्या दिख रहा है, कंप्यूटर को यहाँ पे ये दिख रहा है कि हमारे इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है 1। सो 1 एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है और जब भी नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होएगा। सो यहाँ पे फिर से हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिखूँ समथिंग लाइक 2 plus 3,
सो अब इसकी वैल्यू कितनी है, 5। मीन्स अब ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू है वो है 5, जो कि एक नॉन जीरो वैल्यू है। सो इस टाइम भी मेरा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो हमारी अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। मीन्स वो नॉन जीरो कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 एनीथिंग, या फिर इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हो, जैसे ये 2+3 है, जो इवेल्युएट होने के बाद, कैलकुलेट होने के बाद नॉन जीरो आए, या फिर यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो जो कि ट्रू हो, क्योंकि जो ट्रू कंडीशन होती है उसका मतलब है कि वो 1 के इक्वल है और जो 1 होता है वो नॉन जीरो है। मीन्स इन सभी केसेस में हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और कभी भी यहाँ पे जो वैल्यू है अगर वो 0 के इक्वल होती है, सो 0 के इक्वल अगर मैं यहाँ 0 लिख दूँ तो मेरा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, या फिर यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसी एक्सप्रेशन लिखूँ कोई ऐसा जो फॉल्स हो, 3 less than 2, अब भी मेरा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, या फिर अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखूँ जो कैलकुलेट होने के बाद 0 आ रहा हो, तो तब भी मेरा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके फ्रेंड्स, सो ये बहुत इजी स्टफ था, और मैं होप करता हूँ कि ये इस वीडियो का कंटेंट आप सभी को समझ आया। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार दो बार रिपीट करके देखिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। बट अगर फिर भी आपको किसी टाइप का कोई सा भी डाउट है तो प्लीज़ वो डाउट हमसे शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज के थ्रू या फिर कमेंट सेक्शन के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, सो अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। सो फ्रेंड्स, वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम फिर से मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स।